हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने इंडिपेंडेंट हाउसेस की तरफ, जो कि हम ऑन डिमांड बना रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स का, जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक करा, शेयर करा और कमेंट करा। जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ताकि आपको आने वाले प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट्स मिलती रहे। अपने पास रेडी टू मूव भी है और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, और जो हम ऑन डिमांड बनाते हैं कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग, उसका भी आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, कौन सी ब्रिक्स यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये था अपना कॉर्नर हाउस, जो कि मोहाली के साथ खरड़ में लोकेटेड है, 24x50 फीट का। और ये देख सकते हैं प्रॉपर, इसमें जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, ये अपना जो है पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा होगा कैसे हमने बेस उठाया था, और ये अपना पार्ट 3 है। और पार्ट 2 में देखा था वो जो गड्ढे थे उसमें मिट्टी सारी बाहर करी थी, और इसमें अभी हमने जो है मिट्टियाँ जो बाहर करी थी और उससे इसको फिल करा है, इसके पार्ट्स करे हैं। ये हम बना रहे हैं सिंगल स्टोरी, और जो मिट्टी बाहर थी उसको हमने जो है इसमें गड्ढे में भर दी थी सारे। और उसके बाद ही ये देख सकते हैं अपना, उसके बाद हमने पिलर वगैरह इसके खड़े करे थे, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं देखने में। और इसमें जो है प्रॉपर आपकी लक्ष्मी की ईंट यूज़ हो रही है 1 नंबर, और जो भी हम रेता यूज़ करते हैं वो हम क्रैशर रेता यूज़ करते हैं। और अगर अभी तक अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। और आप देख रहे होंगे जो भी हमने बार यूज़ करा है, वो हमने 16mm का बार यूज़ करा है। ये अपना जो है बेस था फाउंडेशन का, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी नीचे से 7 फुट नीचे से बेस है इसका। और ये हमने जो प्लेट्स मैंने दिखाई थी आपको फर्स्ट पार्ट में, वो सारी चीज़ें हैं। 4 फुट की जो प्लेट लगी थी और उसको जो फिल करना था, वो ये सारी चीज़ें फिल होके फिर इसमें जो है ऊपर ब्रिक्स लगे थे। और इसके अलावा अगर आप मोहाली या खरड़ में कहीं पे भी अपना, अगर आपके पास अपना प्लॉट है, अगर आप हमसे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे आके हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या फिर प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं चाहूँगी कि आप अगर घर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप अपना खुद का घर बनाएं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। उसमें आपको आइडिया हो जाता है उसमें पिलर है या नहीं है। अगर आप रेडी टू मूव लेते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि उसमें पिलर्स भी पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। अगर आप खुद अपनी तसल्ली से घर बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा, उसमें अपने चॉइस मिलेगी आपको, हर चीज़ की चॉइस मिलेगी, फ्रंट एलिवेशन की चॉइस मिलेगी आपको, इंटीरियर की चॉइस मिलेगी, टाइल्स की चॉइस मिलेगी, माइके की चॉइस मिलेगी, हर चीज़ को आपको जो है चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये थी हमारी 2BHK सिंगल स्टोरी हाउस, और इसका जो साइज़ है वो 24x50 फीट है। और अगर आप भी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं प्रॉपर, हम जो है कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं और A1 मटेरियल यूज़ करते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं हम मटेरियल में, और विद एग्रीमेंट कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैंने पहले भी आपके पास वीडियो लेके आई थी रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन की। और अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और जैसे कि आपने देखा था वो जो ईंटें थी वो नीचे जो उसमें दिख रही थी आपको पड़ी हुई, वो सारी हमने लगा दी है, इसके हमने सारे पार्ट्स कर दिए हैं ऑलमोस्ट, ये देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, अब इसको हमने जो है इक्वल करना है, इसके अंदर जो है हम जो ये बाहर आपको मिट्टी वगैरह दिख रही है, ये हमने इसके अंदर फिल करनी है। तो ये हमारी वीडियो थी, और हम क्या करते हैं कि डेली इसमें तराई देते हैं। जैसे आप वाटर टैंक देख रहे होंगे, इसकी जो पाइप्स जा रही है ये देखिए,
और इसमें प्रॉपर जो है तराई देते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा एक बंदा है जो प्रॉपर डेली सुबह शाम तराई देता रहता, तराई इन द सेंस पानी देते रहता है ब्रिक्स में। और इनकी यही ड्यूटी है कि सुबह इन्होंने 8 बजे या फिर 7 बजे पानी देना है और शाम को भी इन्होंने रेगुलर पानी देना है। तो अब आपने घर बनाना है तो पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, ताकि आपको आने वाले प्रॉपर्टी के बारे में पता चले। और जो मैं आपको अब कल वीडियो दिखाऊंगी, वो हमने रेडी टू मूव कोठी की बना रहे हैं, जिसमें कि अभी पेंडिंग था काम, आपने देखा होगा पहले। तो उस टाइम मैं एक्चुअली उस साइड जा नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा हमें काम पड़ गया था, कहीं और वीडियो बनाने चले गए थे, तो मैंने आपको दूसरी दिखाई थी। तो फिर कल मैं आपको दिखाऊंगी 109 स्क्वायर यार्ड की कोठी, और उसमें जो वॉलपेपर का काम था वो पेंडिंग था, तो वो अभी क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट। और प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, और प्लीज़ हमारी साइट को भी विज़िट करें। और अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो हमारे पास फ्लैट भी अवेलेबल है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड इंडिपेंडेंट हाउसेस भी अवेलेबल, और अपने पास प्लॉट्स भी अवेलेबल है। और जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 1700 पर स्क्वायर फिट विद मटेरियल। और हम जो है एग्रीमेंट के साथ बनाते हैं घर। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट इसलिए क्योंकि मैं अभी रात को एडिट कर रही हूँ वीडियो, तो वीडियो शूट हमने डे में करी थी, तो 2-3 वीडियो करी थी, तो फिर अभी एडिटिंग कर रही हूँ, तो इसीलिए गुड नाइट। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको आने वाली प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच।